गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 18 कहानी लेखन में एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बेमेल मित्रता। जिसका नाम क्या है? बेमेल मित्रता, मतलब बिना मेल वाली दोस्ती, मतलब क्या हुआ? इनकंग्रियस फ्रेंडशिप। ठीक है, इनकंग्रियस फ्रेंडशिप। तो आज हम चैप्टर 18 कहानी लेखन में एक नई कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? बेमेल मित्रता। तो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। चलिए। एक चूहा था और एक मेंढक। बच्चों, एक चूहा और एक मेंढक था, दोनों में मित्रता हो गई थी। दोनों में क्या हो गई थी? मित्रता हो गई थी। एक दिन चूहा बोला चलो भाई मेंढक विदेश चलें। एक दिन चूहे ने मेंढक से क्या बोला? चलो भाई मेंढक विदेश चलें। तो देखो, एक चूहा था और एक मेंढक था, दोनों में बहुत दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। तो एक दिन चूहा मेंढक से बोला, चलो भाई विदेश चलें, यहाँ तो भरपेट भोजन के भी लाले पड़े हैं। जहां पर चूहा और मेंढक रहता था वहां पर उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता था। तो इसीलिए चूहे ने मेंढक से क्या कहा? चलो भाई मेंढक विदेश चलें, यहाँ तो पेट भर भोजन के भी लाले पड़े हैं। जहां पर वो रहते थे वहां उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। मेंढक ने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। मेंढक ने जवाब दिया, तुमने बात तो बड़े पते की कही है। मेंढक ने अपने मित्र चूहे से क्या बोला कि तुमने बात तो बड़े पते की कही है। एक काम करो, एक मजबूत मोटे धागे से अपनी और मेरी कमर बांध लो। एक काम करो, एक मजबूत मोटे धागे से अपनी और मेरी कमर बांध लो, ताकि हम एक दूसरे से जुदा ना हो, एक दूसरे से खो ना जाए, है ना। तो मेंढक ने क्या बोला, तुमने बात तो बड़े पते की कही है। एक काम करो, एक मजबूत मोटे धागे से अपनी और मेरी कमर बांध लो, ऐसा होने से हम दोनों सदा साथ रहेंगे। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम दोनों सदा एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ? चूहे को यह सलाह पसंद आ गई और चूहे को मेंढक की यह सलाह पसंद आई। वह फौरन कहीं से एक मोटा सा धागा लाया। मेंढक ने क्या, वो चूहे ने क्या किया बच्चों? वह फौरन कहीं से एक मोटा सा धागा ले आया। चलिए आगे देखते हैं। चूहा फौरन कहीं से एक मोटा मजबूत धागा ढूंढ लाया। चूहे ने क्या किया? कहीं से एक मोटा और मजबूत धागा ढूंढ लाया, अपनी और मेंढक की कमर से धागा बांधकर वह बोला। मतलब चूहे ने क्या किया, एक मोटा और मजबूत धागा ढूंढ लाया और उसने अपनी और मेंढक की कमर से धागा बांधकर वह क्या बोला, देखिए, लो झटपट चलो, अब जरा भी देर ना करो। मतलब मैंने धागा बांध दिया है तुम्हारी और अपनी कमर से, चलो अब झटपट चलते हैं और कोई भी देर नहीं करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे क्या हुआ देखिए। मेंढक ने फुदकते हुए कहा, मैं बढ़ता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते चले आओ। क्योंकि मेंढक तो आपको पता है ना, फुदक फुदक के चलता है ना। तो मेंढक ने फुदकते हुए क्या कहा, मैं बढ़ता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते चले आओ, है ना। तो इसी प्रकार दोनों दोस्त विदेश की ओर चल पड़े। तो दोनों दोस्त मेंढक फुदकते फुदकते और चूहा उसके पीछे चलते चलते दोनों दोस्त विदेश की ओर चल पड़े। ठीक है, रास्ते में एक नाला पड़ा। रास्ते में क्या पड़ा बच्चों? एक नाला पड़ा। मेंढक एक छलांग मारकर पानी में जरा जा गिरा। क्या हुआ, रास्ते में एक नाला पड़ा और मेंढक ने क्या किया, उसमें एक छलांग मारकर पानी के अंदर चला गया। ठीक है, क्या हुआ, रास्ते में एक नाला पड़ा, मेंढक एक छलांग मारकर पानी में जा गिरा। चूहे भी खिंचकर पानी में जा गिरा और मेंढक के साथ साथ, क्योंकि दोनों की कमर बंधी हुई थी एक दूसरे से, तो जब मेंढक पानी में गिरा तो चूहा भी उसके साथ पानी में जा गिरा। वह बोला, मेंढक भैया मैं तो इसे पार न कर सकूंगा। चूहा क्या बोला,
मेंढक भैया मैं तो इसे पार न कर सकूंगा, क्योंकि क्या होता है कि देखो मेंढक तो पानी में रह लेता है लेकिन चूहा पानी में नहीं रह पाता है, ठीक है, क्योंकि मेंढक तो तैर के जल्दी से पहुंच जाता है पर चूहा नहीं, मेंढक तो कूद कूद के पहुंच जाता है लेकिन चूहा तो तैरना नहीं जानता, तो इसीलिए मेंढक ने क्या, चूहे ने क्या बोला बताओ, बताओ क्या बोला बच्चों, कि मेंढक भैया मैं तो इसे पार न कर सकूंगा। मेंढक जरा बिगड़कर बोला, मेंढक जरा बिगड़कर बोला, मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चलो चले आओ ना, मतलब परेशान क्यों हो रहे हो, तैरते तैरते चलो आओ। तो बच्चों चूहे ने मेंढक से क्या कहा, मेंढक भैया मैं तो इसे पार न कर सकूंगा। फिर मेंढक ने क्या कहा देखिए, मेंढक ने बोला, मेंढक बोलता है, मेंढक जरा बिगड़कर बोलता है ना, तो मेंढक जरा बिगड़कर बोला, मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चले आओ ना, तैरना नहीं जानते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मेंढक ने क्या बोला कि मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चले आओ ना, और अगर तैरना नहीं जानते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सरलता से उस पार पहुंचा दूंगा। तो मेंढक ने उससे क्या कहा कि तुमको अगर तैरना नहीं आता है तो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें सरलता से मतलब आसानी से उस पार पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी सरलता से उस पार पहुंचा दूंगा। चूहा मेंढक की पीठ पर सवार हो गया, फिर चूहे ने क्या किया, वो मेंढक की पीठ पर बैठ गया। मेंढक को जहां शरारत सूझती वह पानी में डुबकी लगा लेता, मेंढक को जहां मन करता वो वहीं पानी में डुबकी लगा लेता, क्योंकि चूहा बेचारा तैरना नहीं जानता था, तो इसीलिए मेंढक क्या कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, तो मेंढक को जहां मन होता वो वहीं एक बार पानी में डुबकी लगा लेता। चूहा बेचारा रो रो कर कहता, चूहा बेचारा परेशान होकर रो रो कर क्या कहता, मान जाओ मेंढक भैया मान जाओ, तनिक तो मित्रता निभाओ, तनिक तो दोस्ती निभाओ, है ना। तो चूहा बेचारा क्या कहता रो रो कर, मेंढक मान जाओ मेंढक भैया तनिक तो मित्रता निभाओ, यूं मेरे प्राणों के ग्राहक ना बनो, यूं मेरे प्राणों के ग्राहक ना बनो, मतलब यूं मेरे प्राणों के दुश्मन ना बनो, ठीक है। मेंढक और चूहे की इस खींचातानी से पानी में बड़ी हलचल मची हुई थी, मेंढक और चूहे की इस खींचातानी से क्या हुआ, पानी में बहुत हलचल मची हुई थी, पानी बार बार हिले जा रहा था। उसी समय आकाश में उड़ती हुई एक चील ने उन्हें देखा, उसी समय क्या हुआ बच्चों, आकाश में एक चील उड़ रही थी और उसने मेंढक और चूहे को देख लिया, वह फौरन चूहे पर टूट पड़ी, क्या हुआ, वह फौरन चूहे पर टूट पड़ी। चूहा मेंढक की कमर से बंधा ही था, चूहा क्या था, मेंढक की कमर से बंधा ही था, वह भी उसके साथ चील का शिकार हो गया, और क्या हुआ, चूहे के साथ साथ मेंढक भी चील का शिकार हो गया। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या है, बेमेल मित्रता, मतलब बिना मेल वालों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, अपने प्रकृति वालों से ही मित्रता रखनी चाहिए, मतलब अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती रखनी चाहिए, जिनका आपके साथ मेल ना हो उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी प्रकृति वालों से ही मित्रता रखनी चाहिए, किससे मित्रता रखनी चाहिए, अपनी प्रकृति वाले से ही मित्रता रखनी चाहिए। तो बच्चों आपको स्टोरी कैसी लगी बताओ मुझे, अच्छी थी ना, तो एक बार फटाफट से मैं आपको दोबारा से स्टोरी बता देती हूँ। एक मेंढक और एक चूहा था, तो चूहे ने मेंढक से कहा कि भाई यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं, चलो विदेश चलते हैं, है ना। तो मेंढक चूहे से बोला कि ऐसा करो, एक मोटा मजबूत धागा ले आओ, उससे अपनी और मेरी कमर बांध लो। चूहे को ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा, उसने क्या किया, उसने एक मजबूत धागा लिया और उससे अपनी और मेंढक की कमर को बांध लिया, ठीक है, और दोनों विदेश की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नाला पड़ा और मेंढक ने उसमें फटाफट से छलांग मार ली और पानी में चला गया। चूहा मेंढक से बंधा हुआ था कमर से, तो चूहा भी खिंचकर पानी में जा गिरा। अब मेंढक चूहे से बोला, अरे भाई मुझे तैरना नहीं आता है,
और मैं इसको तो पार नहीं कर सकूंगा। मेंढक जरा बिगड़कर बोला, मरे क्यों जाते हो, मेरे पीछे चले आओ और अगर तुमको तैरना नहीं आता है तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आसानी से ये नाला पार करा दूंगा, ठीक है। अब मेंढक चूहा मेंढक की पीठ पर सवार हो गया और मेंढक को जहां मन आता, जहां उसको शरारत आती, वह पानी में एक डुबकी लगा लेता और बेचारा चूहा रोकर क्या कहता, मान जाओ मेंढक भाई मान जाओ, तनिक तो दोस्ती निभाओ है ना, और मेरे प्राणों के ग्राहक ना बनो, यूं मेरे प्राणों के ग्राहक ना बनो। मेंढक की इस खींचातानी से क्या हुआ बच्चों, पानी में बड़ी हलचल हो रही थी तो आकाश में क्या हुआ, एक चील उड़ने लगी। आकाश में क्या हुआ बच्चों, एक चील ने उड़ते हुए मेंढक और चूहे को देख लिया। अब क्या हुआ, वो चील फौरन चूहे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ी और जब चील ने चूहे को पकड़ा तो चूहे की कमर से कौन बंधा हुआ था, मेंढक, तो चूहे के साथ साथ मेंढक भी उसके पास आ गया तो क्या हुआ बताइए, वह भी उस चील का शिकार हो गया। कौन, मेंढक, चूहे के साथ साथ मेंढक भी उस चील का शिकार हो गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अपने प्रकृति वालों से ही मित्रता रखनी चाहिए, अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती रखनी चाहिए। तो बच्चों आपको स्टोरी समझ आई, और तो बच्चों आपको ये स्टोरी समझ आई, ठीक है, तो आपको आज ये स्टोरी पढ़नी है और इसको ध्यान से समझना है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।